एंड वेलकम माइनक्राफ्ट की एक और नई सर्वाइवल वीडियो में। और हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। इस वीडियो में आज तुम्हारा भाई माइनिंग पे जाने वाला है, और माइनिंग पे जाके जो मेरे साथ तहलका मचा है ना भाई, इतना तो मैं नॉर्मली नहीं मराऊंगा जितना माइनिंग में जाके मराऊंगा। और अगर खाओ माँ कसम, अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो को पूरा देखना होगा, उसके बाद ही आप लोगों को स्टोरी की पता चलेगी। तो लेट्स गो। पहले हम लोग रिसोर्सेस बिल्ड कर लेते हैं एंड उसके बाद सीधा माइनिंग पे जाने वाले हैं। तो ये भाई अभी हम लोग अंदर जाएंगे और यहाँ पे डायमंड रखे मेरे पास चार भाई, लेकिन ये डायमंड तो चोरी के है, लेकिन आयरन नगेट्स मेरे खुद के हैं और अभी इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे और एक शील्ड बनाएंगे ताकि कोई भी भाई मॉब्स हम लोगों को आराम से टपका नहीं पाए। यहाँ पे अभी मैं जंगल बायोम में आ गया हूँ और यहीं पे कहीं पे केव देख लूंगा। अगर मुझे केव नहीं मिलती तो मैं स्ट्रेट माइनिंग करना चालू कर दूंगा। भले ही स्ट्रेट माइनिंग बहुत खतरनाक होती है, पर मैं अपने तरीके से यूज करूंगा उसको, बिल्कुल ही स्ट्रेट नहीं वरना सीधा लावा में गिरूंगा। तो यहाँ पे मुझे माइनिंग के लिए जगह मिल गई और मैं यहाँ पे ज़िगज़ैग वे में माइनिंग करूँगा, जैसे सीढ़ियाँ रहती हैं उस टाइप की, ताकि भाई अपन लोगों को नीचे लावा भी मिलेगा तो पहले ही पता चल जाएगा। तो अभी यहाँ से हम लोग माइनिंग स्टार्ट करते हैं और मेरा सबसे ज़्यादा मेन गोल होगा यहाँ पे आयरन का। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डीप माइन कर ही लिया था और फिर मुझे एक वुडन ब्लॉक दिखता है, जिसका मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे माइन शाफ्ट हो सकती है। तो थोड़ी बहुत टॉर्च लगाने के बाद हम लोग इस फुट ब्लॉक को तोड़ते हैं और हाँ भाई, ये माइनशाफ्ट निकलती है। तो अब हम लोग माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे और हो सकता है यहाँ पे हम लोगों को डायमंड्स और बाकी सारे आइटम भी मिल जाए। तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करके मैं चला जाता हूँ डायरेक्ट नीचे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़ॉम्बीज वगैरह का साउंड आ रहा था, तो नीचे ज़ॉम्बीज स्पॉनर भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले नीचे जाता हूँ यहाँ के ब्लॉक हटा के, और अंधेरा होने रहा था तो मैंने यहाँ पे टॉर्च लगाई। रोम रोम भाइयों। फिर मैं भिड़ गया इन सब लोगों से। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। गजब बेइज्जती है। इनकी बैंड बजाने के बाद अब आ गया था वक्त माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करने का। तो लगाते हुए टॉर्च हम लोग माइनशाफ्ट को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत आयरन मिल जाता है तो जल्दी से आयरन को भी यहाँ से उठा लेते हैं, क्योंकि मेन हमारा गोल इस टाइम आयरन आर्मर का है, उसको भी बिल्ड करना है, और डायमंड मिल गया तो और अच्छी है। तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते करते एक ज़ॉम्बी आ जाता है, एक दिन मर जाएगा, जिसको मैं जल्दी से डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, पर उतने में तो भाई दो ज़ॉम्बी होते हैं जो मेरे ऊपर पूरी तरह से रश कर देते हैं। बिल्कुल प्रो लोगों की तरह उनके सामने बैठा रह जाता हूँ, और उसमें से कोई एक ज़ॉम्बी मुझे बहुत गंदा डैमेज देता है, उस वजह से मुझे रिवाइव होना पड़ता है एंड वापस से हम लोग अपने घर पे आ जाते हैं। एंड अब मुझे फिर से उस जगह पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे अपनी जगह पे पहुँचने के बाद कोबलस्टोन को हाथ से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि पिकेक्स लाना तो मैं भूल ही गया। और हाथ से कोबलस्टोन तोड़ने के बाद मुझे एक ज़ॉम्बी दिखता है जो मेरे ही आर्मर और पूरे सेट के साथ था, तो इसको मारना काफ़ी मुश्किल था, पर भाई तुम्हारे भाई ने इसको भी मार दिया जैसे तैसे। देन फिर से हम लोगों ने की माइनशाफ्ट एक्सप्लोर। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिल जाती है, इस चेस्ट को ओपन करता हूँ और इसमें मुझे नेम टैग मिलता है, कुछ बेरीज मिल जाती हैं, और बाकी सारा तो बेकार आइटम था। उम्मीद थी इसमें डायमंड मिलेगा, बट लगता है भाई अभी अपनी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसमें कुछ बेरीज और एक और नेम टैग मिल जाता है, और बाकी सारा वही फालतू आइटम है। मुझे एक चेस्ट और मिल गई। अब तो भाई लाइक करना बनता है, और अगर इस चेस्ट के अंदर मुझे डायमंड्स मिल गए तो वो तो भाई 100% आपको लाइक करना ही होगा। और इसको ओपन किया और अरे भाई ये क्या हुआ, इसमें तो बस हम लोगों को एक एन्चेंटेड बुक मिली है और लैपिस मिला है आयरन, और सब कुछ बेकार ही है भाई। इसमें मुझे उम्मीद थी कि कुछ अच्छा मिल जाए। ज़ॉम्बी स्पॉनर दिख जाता है, तो जल्दी से इनके ऊपर अब मैं रश करता हूँ एंड यहाँ पे एक ज़ॉम्बी को नॉक करने के बाद अंदर जाते ही टॉर्च लगा देता हूँ। उतने में पीछे से एक ज़ॉम्बी आ जाता है और फिर उसको भी निपटा देता हूँ। देन उसको निपटाने के बाद मैं जल्दी से इस जगह को देखता हूँ और कोई ज़ॉम्बी नहीं है। उतने मुझे एक ज़ॉम्बी और दिख जाता है, देन मैं पीछे हो जाता हूँ। मुझे लगा उस ज़ॉम्बी ने मुझे नहीं देखा होगा, तो मैं टॉर्च बनाने लग जाता हूँ, क्योंकि भाई अंधेरा ना हो इसलिए टॉर्चेस रेडी रख रहा था। उतने में भाई वो ज़ॉम्बी आके मुझे नॉक कर देता है। करो इससे क्या सीखने को मिला हमें, जब भी आसपास कोई ज़ॉम्बी हो या फिर कोई भी मॉब हो तो कुछ क्राफ्ट मत करना वरना सीधा घर पहुंच जाओगे, क्योंकि रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं था मेरा। अब मैं जाता हूँ उस जगह पे जल्दी से। अब जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ वो ज़ॉम्बी मुझे वहीं मिलता है, तो सबसे पहले तो इसको टरका देता हूँ भाई मैं। यार ये बहुत गंदा ज़ॉम्बी है भाई, मार दिया इसने मेरे को बिना फालतू में।
तो सारा सामान उठाते हैं, एक्यूब करते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं। भाई बेकार जगह है ये। इस जगह से निकलने से पहले इनकी चेस्ट तो चेक कर लें, इसमें क्या क्या आइटम है। अरे भाई ये भी बेकार, इतने सारे नेम टैग भाई कहाँ लगाऊंगा। एंड ये सेकंड चेस्ट, और इसके अंदर इंचेंटेड गोल्डन एप्पल की जगह मुझे सिर्फ गोल्डन एप्पल मिला। अरे यार चलो कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूँगा मैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्क पड़ी है तो डिस्क को भी उठा लेते हैं, डिस्क तो काम में आ ही जाएंगी। मैं तो रास्ते से जाहिर होता हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे एक नहीं दो स्पॉनर दिखते हैं। एक स्पाइडर स्पॉनर है और दूसरा भाई स्केलेटन का स्पॉनर है। तो भाई ये स्केलेटन तो काफ़ी ज़्यादा चेप हो रहे थे मुझसे, तो इनको तो भाई निपटाना ही पड़ेगा। तो इस स्केलेटन को निपटाने के बाद यहाँ से एक स्पॉनर वाली जगह पे जाके इस स्पॉनर को ब्लॉक करते हैं। सबसे पहले मकड़ी भाई को निपटाते हैं, स्पॉनर को कर देते हैं पूरी तरीके से ब्लॉक ताकि कोई पीछे से आ भी नहीं पाए। और इस जगह को क्लियर कर देता हूँ। अरे दो मिनट रुक जा भाई विलेजर ज़ॉम्बी, दो मिनट। मैं इस जगह को वैसे भी बंद ही कर रहा हूँ और अब ये जगह बंद हो गई है। एंड अब इस चेस्ट को भी देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ज़्यादा कुछ खास तो नहीं, एक और गोल्डन एप्पल मिल गया मुझे, कुछ बेरीज मिली और ब्रेड मिली है। भाई फालतू का आइटम तो एक तो मेरे पास बहुत सारा भरा रहता है, बार बार इन्वेंटरी को फुली रखता हूँ मैं ज़्यादातर। एंड हाँ, तुम्हारे भाई ने फाइनली अपने लिए आयरन आर्मर भी कंप्लीट कर लिया है एंड अच्छी खासी हम लोगों के पास लूट भी आ गई है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखने वाला हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी सर्वाइवल सीरीज पसंद आ रही है तो भाई कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे नई वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलता रहे। वैसे आप लोग बहुत अच्छे कमेंट और लाइक दिखा रहे हो, बस व्यूज थोड़े कम है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली माइनक्राफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।